कितना नंबर आता है तुम्हारा? जितना आने का मनो। क्या हो तुम? हम भगड़वाल जी के पुत्र हैं। ये इतना ऐसे ही रोज बोलता है कि मेरे सामने बोल रहा है? इतना रोज ही बोलता है। अब हम सब बड़े हो जाएगी ना तो लोग खेलना बंद कर देते। यहाँ पे ये पीछे लोगों को वो लड़ाई हो गई थी। वो है मेरा हल्द्वानी में तो पहली बार ही हुआ ऐसा। अच्छा नहीं लग रहा। दंगे नहीं करने चाहिए इनको। मारपीट खून पीट वगैरह कुछ फायदा होता है नहीं किसी का ऐसे करके। जैसे खुद को अपने धर्म को तुम ऊपर करते तो वैसे ही दूसरों के भी मानना चाहिए। किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। मेरे साथ फ्रेम में विशेष हैं। अभी मैं और मेरे साथी प्रशांत हम लोग अंदर के इलाके में जा रहे थे। ये इलाका जो बनभूलपुरा है जहाँ पे 8 फरवरी को दंगा हुआ, यहाँ से मुश्किल से वहाँ से 150 मीटर की दूरी पे है। और हम अंदर जा रहे थे तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, मतलब खेल के विजुअल आप ये देख सकते हैं। पत्थर पे पत्थर सजा रहे थे, पत्थर से फोड़ रहे थे, जो फोड़ रहा था मार रहे थे, फिर उसमें तमाम किस्म की बेईमानियाँ भी कर रहे थे। बच्चे करते हैं ये सब। लेकिन रोचक ये था कि विशेष ने आवाज़ दी मुझे और हम लोगों को माइक हाथ में लिए हुए थे, वो कहा कि हम लोग के ऊपर भी न्यूज़ बनाइए, हम लोग के घर में डिश नहीं आ रहा है और इंटरनेट नहीं आ रहा है। तो मैंने पूछा तो कर क्या रहे हो? तो बोला बस खेल के मन लगा रहे हैं। हाँ सर। पढ़ के क्यों नहीं मन लगा लिए? पढ़ लिया सुबह पढ़ लिया था। सुबह ही सुबह पढ़ लिए थे? तीन घंटे। हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? 6। अच्छा 6 में। कहाँ पे? होली एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल। अच्छा, पढ़ाई में कैसे हो? अच्छे हैं, सही है, मतलब अच्छे भी नहीं है ज्यादा। जहाँ? ज्यादा अच्छे भी नहीं है। ज्यादा अच्छे नहीं हो? ज्यादा अच्छे भी नहीं है, मिडिल में। मिडिल में हो? मिडिल में भी नहीं है ज्यादातर। सही है, मतलब सही है। नीचे हो? सही है, मतलब मिडिल। तुम अच्छे भी नहीं हो, ज्यादा अच्छे भी नहीं हो, मिडिल में हो, मिडिल में भी नहीं हो, बीच में हो। अच्छा, तो तुम ऊपर भी आधा है और नीचे भी आधा है। ऐसा ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है? नंबर तो होता है। कितना नंबर आता है तुम्हारा? जितना आने का मनो। नंबर है, खाना नहीं है। ठीक है, जितना खाने का मन उतना खाओ, ऐसा नहीं, नंबर लाना पड़ता है। हाँ। तो कितना आया तुम्हारा? कक्षा 5 में कितना आया था? समाज में जितना मैम का मन, जितना मन उतना आ गया। जितना मैम का मन हुआ। अच्छा, जितना मैम का मन उतना आ गया। और कक्षा 4 में जितना भी मैम का मन था। हाँ। कक्षा 6 में इंतजाम तो होने वाला होगा। होने वाला है। हाँ। तभी तो मजे कर रहे हैं। एक बात बताओ, तुम इतना ज्यादा एक्टिव तरीके से बतिया रहे हो हमसे। राम जी के भक्त है ना। अच्छी बात है भैया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि तुम इतना एक्टिव तरीके से बात कर रहे हो हमसे अभी तुम। हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई भी बात कर सकता है, किसी कोई भी बच्चा बात कर सकता है। मोहल्ले के क्या ऐसे छोटे डॉन ऑन टाइप के हो क्या? ना भैया। हाँ। डॉन नहीं है। तो क्या हो तुम? हम भगड़वाल जी के पुत्र हैं। भगड़वाल जी के पुत्र हो? भगड़वाल जी पिताजी को बोल रहे हो? पापा घर कहाँ पे? नाम चलता है ऐसे? हमारा नहीं चलता, हमारे चाचा जी का चलता है। हमारे ये क्या मतलब? क्या थाने में फोटो लगी तुम्हारी? नहीं, वो बोल रहा है, वो तो कुछ भी बोलेगा। अच्छा, इतने सारे लोग हैं, ये गैंग है इन लोग? ये तुम्हारे दोस्त लोग हैं? नहीं नहीं, दोस्त है दोस्त। ये इन सब का, इसका बच्चा है। अच्छा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाँ। ये कौन कौन है तुम्हारा दोस्त? ये सभी है दोस्त, नीटू भाई को छोड़ के। नीटू भाई कौन है? नीटू भाई है हमारे, बहुत अच्छे हैं। बीच वाले जो हैं। हाँ, इनकी ये आपकी दुकान है, इनकी ये वाली NS कूल इंडिया कम कूल इंडिया। तो वो उनकी दुकान है। नीटू भाई भी तुमसे डरते हैं क्या? ना ना, नीटू भाई रख देते हैं। रख देते हैं? नीटू भाई बहुत चंड है। ऐसे नहीं बोलते हैं, बड़े हैं तुमसे। नीटू भाई बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, मेरा काम सब कुछ करते हैं। अच्छा, और ये बाकी दो लोग तो तुमसे बड़े लग रहे हैं जो तुम्हारे साथ खेल रहे थे। हाँ, खेलते तो सभी हैं। हाँ। आप भी खेलो, आइए। ना ना, काम है। अरे अच्छा, सॉरी। ये भी काम ही कर रहे हैं। अच्छा, ये वीडियो इंटरनेट पे डाल देंगे हम। अच्छी बात है, अरे फेमस हो जाऊंगा मैं। थैंक यू सर। वो तो जनता समझेगी। थैंक यू। वो जनता समझेगी तुम फेमस हो गए कि क्या हो गए। भगवान जी जय हो। बेटे भगड़वाल जी के बेटे हैं, इलाके में नाम है, तुम बोले हो ना। हाँ। अब पता नहीं कैसे फेमस हो गए। ये हमारे ऊपर नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर है ना भैया, हमारा कुछ नहीं है। पर ये बात बताओ, इंटरनेट पे क्या करते हो अभी? तो इंटरनेट बंद है यहाँ पे? हाँ, इंटरनेट बंद है। हाँ। तो दिन भर वैसे क्या पबजी? ना, पबजी पहले खेलते थे, अभी भी खेलते हैं। BGMI बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। अच्छा, तभी मिडिल में हो? नहीं, मिडिल में तो सब जगह है। वहाँ पे कैसे खेलते हो?
कहाँ पे? BGMI पे। क्रिकेट भी खेलते, सब खेलते हैं। राम का बड़ा भक्त है ये। अच्छा, राम जी के भक्त है। इन्होंने बताया, इन्होंने बताया कि भक्त है। एक बात बताओ, अच्छा तुम लोग, आप लोग बच्चे भी हो, सब लोग बात करो। आप थोड़ी सी हंसी मजाक कर लिया हमने, आप बड़े तो आपसे नहीं बात करूंगा, मैं बच्चों से इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि एक ऐसे शहर में हम लोग जहाँ पे कभी भी इस तरह की घटना, आप लोग भी बात करो, चूँकि थोड़ी सी मैं सेंस समझना चाह रहा हूँ आप लोगों की। हम लोग ऐसे शहर में हैं जहाँ पे इस तरह की घटना कभी होती नहीं थी, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होता था, एकदम शांत रहता था। अचानक से दंगा हुआ और अचानक से सब कुछ एकदम थम गया, कर्फ्यू लग गया, इंटरनेट बंद हो गया, पुलिस आने लगी, है ना, और लोगों ने पत्थर मारे, गिराया पड़ाया, आग लगाई, सब कुछ हुआ, गोली चली। ऐसा पहले कभी सुना आप लोगों ने कभी कहीं हुआ हो? हल्द्वानी में नहीं, कहीं और कभी हुआ हो? जब इंदिरा गांधी, और भी लोगों को, पहले तुम बता दो। अच्छा, इंदिरा गांधी जब मरी थी तो सरदारों की सारी दुकानें लूट दी थी शायद से। अच्छा, शायद से, मेरे को पूरा श्योर नहीं हूँ। नहीं, हंसो मत, हंसो, ये हंसने की बात नहीं दोस्त, श्योर नहीं हूँ, लेकिन इतना पता है कि इंदिरा गांधी जब मरी थी तब, इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी उसके बाद देश में दंगा हुआ था और सरदारों की, खासकर सिख समुदाय के लोगों की, बहुत सारे लोगों की हत्या की गई, बात तो सही है। उनको लगा कि सरदारों ने मारा है। अच्छा, और आप लोगों को पता है कि आजादी से पहले हुआ था, एक बार आजादी से पहले जलियांवाले बाग में, हाँ वो तो कत्लेआम हुआ था ना, एक बार वो हुआ था, और उसके बाद तो हुआ है, मतलब हल्द्वानी में तो पहली बार ही हुआ है ऐसा। हाँ, एक बार बस सिंधी चौराहे में हुआ था कि गोली मार दी थी, उसके बाद पहली बार हुआ है, इस तरह का पहली बार हुआ है ना। और आप लोग को क्या लगता है ये सब जो हुआ है? देखिए, मैं, आप लोग बच्चे हैं तो मैं आपसे वो सवाल नहीं पूछूंगा जो मैं बड़ों से पूछता हूँ, वो मेरी पत्रकारिता के साथ भी अन्याय होगा और आप लोगों के साथ भी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग बेहतर भविष्य बनाते हैं देश का ना, तो आप भी बनाते हैं, ठीक है? तो ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए क्या होना चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सिद्धि बगड़वाल। सिद्धि, हाँ बताइए। यूनिटी होनी चाहिए सबके बीच में, दंगे नहीं करने चाहिए इनको। ऐसे हो नहीं पाएगा, किसी को कुछ हो नहीं पाएगा, यहाँ पे सब मारपीट, खून पीट वगैरह में कुछ फायदा होता है नहीं किसी का ऐसे करके। अच्छा, आप बता रहे हो कि पुलिस को कुछ ना करना पड़े, जनता खुद से समझ जाए, जनता, ठीक है, जनता समझदार बनेगी कैसे? कोई जब बता सकता है, कोई सोच सकता है? मैं ऐसा कोई सवाल जवाब नहीं है कि ऐसा कोई गलत सही जवाब है, सोचने पे जवाब आएगा, हो सकता है कि जनता करे क्या कि पुलिस को कुछ ना करना पड़े, सब लोग खुद ही समझदार हो जाए। भाई, आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ये सब बंद करना चाहिए और एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। ये सब जो ये होता है अल्लाह और जय श्री राम के नाम पे कि इनके लड़ाई होती है आपस में, होती है और ये सब, तो ये सब कम करना चाहिए और सब धर्म को इक्वल मानना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? मेरा नीव बगड़वाल। नीव। और क्या पढ़ाई करते हो आप, किस क्लास में? मैं 11th में। तो उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड से खेल चुके हैं। हाँ, उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड से खेल चुके हैं ये। अंडर कौन सा क्रिकेट खेला है उत्तराखंड टीम से? अंडर 16। अच्छा, ये बताओ हमको कि नीव, आप बात जो कह रहे हो बहुत सही कह रहे हो, और इस तरह की चीज़ें होती हैं देश में कि दो समुदाय एक दूसरे के नारे और एक दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट को कहते हैं ना, इसके धर्म को लेकर कोई क्या सोचता है, ठीक है, अभी धर्म को लेकर कोई क्या सोचता है उसके बारे में दोनों लोग एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई कई बार हम लोग अपने धर्म का पालन करने में सामने वाले के धर्म को नीचा दिखाते हैं, ऐसा जानते हो आप लोग? अपराध तो ये दूसरे के धर्म को तो नीचे दिखाना ही नहीं है, बल्कि दूसरों का मानना चाहिए। जैसे खुद को अपने धर्म को तुम ऊपर करते हो तो वैसे ही दूसरों के भी मानना चाहिए। किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। और ये सब पे लागू होता है? हाँ, सब पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म है सब पे करना चाहिए कि अपने धर्म को भी, दूसरों के धर्म को भी उतना ही वो दो जितना अपने आप को देते हो। अच्छा, और देश में क्या क्या होना चाहिए? ये तो हो गई कर्फ्यू की बात, इसके अलावा बताओ, पढ़ाई लिखाई, पैसा कमाई, रोटी कपड़ा मकान, इस सब में बताओ कि क्या क्या होना चाहिए। तुम बड़े हो गए बच्चा, तो हो सकता है कि आगे कुछ बनना चाहो, तो तुमको क्या सुविधा मिले? सबकी अपनी अपनी हॉबी है। हाँ, सबकी अपनी अपनी हॉबी है, कौन क्या अपना जाए, कोई पैसा कमाएगा, कोई अपने गेम्स में जा रहा है बड़ा करेगा, कोई बंगला बनाएगा, ये करेगा वो करेगा, और लेकिन सबका मन तो अभी सब में अपना डिफरेंट हॉबी में लगे हुए, सबके अपने गेम्स में लगे हुए, सबके सब ये है, मतलब इनका कोई पैसा भी कमा सकते नहीं है, कोई ये नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये जो
जो है आत्मनिर्भर भारत के सबसे पहले सपूत है। इनके पिताजी के अभी एक्सपायर हो गए थे तो इसने पूरी दुकान का सामान रखा है, रोज राजमा चावल और चाय। मटर गली है हमारे शहर में, गल्दवानी शहर में एक इलाका, वहाँ ये लगाता है स्टॉल और बहुत बढ़िया काम करता बंदा। और इसने अभी अच्छा मतलब कोई भी अच्छा, ये तो आप लोग को पता ही होगा ना कि अभी अगर अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो आप कहीं काम नहीं कर सकते। मैं 19 का हूं। अरे सुन तो लो, कहीं नौकरी नहीं कर सकते, नौकरी नहीं कर सकते। लेकिन अगर 18 साल से कम है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे आप काम करना सीख सकते हैं। जैसे तुम हमको बताओ, तुमको खाना बनाना आता है? ये बहुत बढ़िया विजन है, थोड़ा बहुत। क्या बना लेते हो? वो खिचड़ी विचड़ी नहीं, नहीं खिचड़ी नहीं, तुमको कुछ नहीं आता हमको समझ में आ रहा है। मैगी तुमको देख के लग रहा है तुमको कुछ भी नहीं आता, तुम बस ऐसे हाँ बोल दे, उसका तुमको डिश नहीं पता चल रही है। नहीं बस मेरे को खाना आता है, और वो खाना खाना आता है, खाना खाना तो सबको आता है, खाना बनाना नहीं आता, वो माता श्री को आता है। अच्छा, माता श्री, माता श्री से खेल वो पूछना पड़ेगा कैसे बनाते हैं। पापा को आता है? पापा को थोड़ा बहुत आता है, आता है मतलब सही आता है, नॉर्मल। कभी तुम सोचे ऐसा कि तुमको तुमको और पापा को क्यों नहीं आता, मम्मी को और दीदी को क्यों आता है? दीदी को आता होगा? पहले क्या कहते हैं, पहले वो होता था क्या क्या कहते हैं, वो लड़कियां घर पे ही रहती थी, सिर्फ लड़कों को काम करने दिया जाता था बाहर जाके, तो लड़कियां तभी सीख गई, ऐसी हुई होगा। तो ऐसा ऐसा ही रहना चाहिए ना, मतलब लड़कियां घर का काम करें, ऐसा रहना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब सबको अपना अपना काम करना चाहिए, मतलब लड़कियों को भी बाहर जाने का हक होना चाहिए कि बाहर जाके वही क्यों खाना बनाए, सब बनाए खाना, ऐसा कि बाहर वो लोग भी जाएंगे ना, वो भी घूमेंगी, मतलब वो भी तो कुछ करेंगी। मम्मी लोग सिर्फ घर पे खाना बनाते हैं, ये गलत लगता है, थोड़ा गलत लगता है। तो तुमको लगता है कि तुमको सीखना चाहिए, मम्मी का हाथ बटाना चाहिए? मम्मी भगा, मैं चाहता हूँ, जो मम्मी कहती है कि तुम बताओ मैं बना लूंगी, मम्मी मैं जाता हूँ तो मम्मी चार काम और फैला देते होगे तुम। ये सबसे मम्मी 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 की एक्टिंग कर रहा हूँ, तुम आओगे तो मम्मी तुम आओगे तो 10 काम तो फैला के जाओगे, ठीक है, और आओगे कुछ ना कुछ गिरा के जाओगे, बस जैसे तुम आओगे किचन में वैसे सब काम उल्टा हो जाएगा, बस यही होता है घर में। ये इतना ऐसे ही रोज बोलता है कि मेरे सामने बोल रहा है? इतना रोज ही बोलता है, रोज इतना ऐसे ही बोलता रहता है। वो खेलने में कैसा है? क्रिकेट अच्छा खेलता है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, पढ़ाई में वाला मिडिल वाला है, एवरेज है। तो ये बच्चे थे हल्द्वानी के, तुम भी खेलते हो, क्या नाम है तुम्हारा? इसने दिन में से बोला अरे हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज लोक केतरवानी। लोकेश? श्लोक। श्लोक, हाँ। किस क्लास में हो लो श्लोक तुम? हम फर्स्ट। फर्स्ट में तुम इन लोगों के साथ नहीं खेल रहे हो? इतना कभी सन्नाटा देखे थे सड़क पे? एकदम गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं दिख रही है, साइकिल कुछ नहीं दिख रही, कभी देखे थे? मैं पूरे कल से देख रहा हूँ। कल से देख रहे हो ऐसा? हाँ। क्यों हुआ ऐसा? यहाँ पे ये पीछे लोगों को वो लड़ाई हो गई थी। लड़ाई हो गई थी, हाँ। फिर क्या हुआ था बच्चा? फिर मस्जिद तोड़ने में इतनी लड़ाई हुई है, एक और मस्जिद है भी अभी भी। अच्छा, और फिर उस समय इसके बाद सन्नाटा हो गया पूरा। हाँ। तो तुमको मजा आ रहा है इसमें कि जब सन्नाटा हो गया एकदम? थोड़ी बहुत गाड़ी वाली जा रही है फिर भी, कभी कुछ कार जाती, कभी कुछ पार्क जाती, कुछ कार जाती रहती थोड़ी बहुत, तो आते तो नाते ही आते हमें तब तो चल देखो। लेकिन सड़क खाली, तुमको मजा आ रहा है देख के? अच्छा नहीं लग रहा भी, अच्छा अगर भरी आती तो मैं देख पा रहता हूँ, अच्छा भी लगता रहता है। मैं जब छोटा था तो जहाँ पे मेरा घर था ना, तो वहाँ पे कर्फ्यू लग गया था, तो अभी कर्फ्यू लगाई अभी मेरे घर में बहुत पहले लगा था। मंदिर है उधर, वहाँ पे उसके बगल में वो है ना, वहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे पूरी पुलिस भरी हुई है, पुलिस भरी हुई ना। हाँ। जब मैं छोटा था मेरे घर में, मेरे घर के आसपास कर्फ्यू लगा था, तो हमको बहुत अच्छा लगा था देख के, सड़क पे क्रिकेट खेल लेते हम लोग तुम्हारी तरह।
तो दे दिया, मैं भी उनमें बैठ प्रैक्टिस करते फिर खेलते हैं। थैंक यू श्लोक बात करने के लिए। कर्फ्यू में बच्चे ऐसे मिल जाते हैं, खेलते कूदते, अपना समय अपने तरीके से काटते, इंटरनेट का इंतज़ार करते, गाड़ियाँ स्कूल का शुरू होने का इंतज़ार करते। अब हम मिल जाते हैं थोड़ा बहुत बात करते। आप ललन टॉप देख रहे थे।